नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। महाकाल की नगरी में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां प्रारंभ हो गई है और यह कंठाल चौराहा है जो सती गेट से लगाकर छत्री चौक तक जाता है। आज़ादी के पहले यह मार्ग चौड़ा हुआ था, उसके बाद में अब जो है उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल दलबल के साथ आए हैं। यहाँ पर सारे अधिकारी कर्मचारी MIC के सदस्य है, क्षेत्रीय पार्षदगण है, उनसे बात करेंगे महापौर से कि किस प्रकार का जो है आज संदेश देने के लिए व्यापारियों के साथ निकले हैं आप। आज हमने सारे व्यापारियों से अनुरोध करने के लिए निकले हैं कि अपनी जो दुकान का सामान है दुकान के अंदर रखे, नाले के बाहर नहीं लेकर आए। अगर आपने देखा होगा कि जितने भी दुकानदार हैं सब ने नाले के बाहर आकर के अपने पुतले खड़े किए हुए, टेबल लगाई हुई है और उसके बाद में वाहन खड़े करते हैं, उससे हमसे यहाँ लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। अगर सभी दुकानदार अपना अपना सामान दुकान के अंदर रखेंगे तो इसमें लोगों को आने जाने में सुगमता होगी। और आज ये अनुरोध करने के लिए आएँ, अगर उसके बाद में अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर नगर निगम द्वारा जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो करेगी। कितने फिर चौड़ा होगा जब सिंहस्थ के मद्देनजर इस मार्ग का चौड़ीकरण कर रही है? आज चौड़ीकरण के लिए नहीं आया, तो जो लोगों को आने जाने में सुगमता हो तो ये जोड़ पे जो अतिक्रमण किया हुआ उसको अपने सीमित रखे, इसी के लिए निवेदन करने के लिए। फिर भी यार व्यापारियों को थोड़ा सा मानस बनेगा कि जब तक चौड़ीकरण शुरुआत हो जाएगा सीएस के मद्देनजर? आज का विषय ये नहीं है, आज केवल अपन इसीलिए आए कि वो अपना जितना पर्याप्त मार्ग है उसका सही से उपयोग हो, लोगों के आने जाने के लिए खुला रहे। तो ये थे उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल, जिनका कहना है कि जो चौड़ीकरण होना है उसकी प्रक्रिया अब इसके बाद प्रारंभ होगी, लेकिन हाल फिलहाल व्यापारियों को यह जो है मानस बनाने के लिए आए हैं। साथ ही साथ जो दोनों छोर पर, मार्ग के दोनों छोर पर जो अतिक्रमण फैला है, बाहर सामान रखा है, और जितने भी व्यापारी उनसे अनुरोध करने के आए हैं कि व्यापारियों को यहाँ पर समझाइश दी जा रही है कि सामान अपना हटा लें और चौड़ीकरण में मदद करें और अतिक्रमण के माध्यम से जो श्रद्धालुओं को परेशानी होती है वो परेशानी को दूर करें। उज्जैन छत्री चौक से लगाकर सती गेट और कंठाल तक जो है दुकानों पर पसरा अतिक्रमण हटाने के लिए आज नगर निगम की गैंग सड़कों पर उतरी है। महापौर मुकेश टटवाल खुद है और यहाँ पर निगम के अधिकारी भी है। हम यहाँ व्यापारियों से चर्चा करेंगे कि यहाँ पर क्या मूलभूत समस्याएं हैं, चौड़ीकरण नहीं होने से क्या दिक्कतें आती हैं और किस प्रकार की उनकी मांग है। उज्जैन शहर में 92 से चौड़ीकरण का प्रस्ताव प्रारित है। आप देख रहे हैं उज्जैन शहर में साल में 12 बार बाबा महाकाल की सवारी निकलती है और चौड़ीकरण के कारण आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप कंठाल पे चले जाओ, आप ढाबा रोड पे चले जाओ, सती गेट वाले रोड पे चले जाओ, जो मूल मुद्दा है प्रशासन का उस मुद्दे से भटकाकर ये जो आज ये लटकन हटाना, ये हटाना, ये अतिक्रमण हटाना, अतिक्रमण नहीं, जो मूल जो मुद्दा है उससे आपका ध्यान भटकाती प्रशासन, और जो असल मुद्दा है चौड़ीकरण का, आज उज्जैन शहर में जब से महाकाल लोक बना है पर डे 5 लाख पब्लिक आ रही है, लेकिन पता है उनको नाना खेड़ा पे उनकी कार रोक दी जाती है, भूखी माता पे कार रोक दी जाती है, ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले उनसे मुंह मांगी रकम वसूलते हैं। अगर ये शहर के अंदर बीचों बीच बड़े बड़े पार्किंग बने, ये सारे रोड चौड़े हों तो सारे ये व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। अब यात्री जो आते हैं वो यहाँ तक आ ही नहीं पाते क्योंकि उनकी मेन जो वाहन है जिससे वो उज्जैन में आए हुए वो नाना खेड़ा पे, आप भूखी माता पे चले जाएंगे, जब आदमी थका मारा होता है तो वापस निकल जाता है, वो सिटी में नहीं आ पाता। आप साई सवारी आने वाली है 8 दिन बाद, अब 8 दिन बाद जब साई सवारी आती है तो पता है प्रशासन पल्ला झाड़ने के लिए पूरे शहर के रोड बंद कर देता है, जबकि जनता के लिए बाबा आ रहे हैं, जनता को परेशान करने के लिए नहीं आ रहे हैं। आप 10-10 किलोमीटर दूर पर रास्ते बंद कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? क्योंकि सारी व्यवस्था ही नहीं है आपके, रोड चौड़ीकरण ही नहीं है। जब तक रोड चौड़ीकरण नहीं होगा, मूल सुविधा मूल व्यवस्था पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक ये व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी। क्या बोलेंगे भैया आप, क्या बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? सही बात है, सही कह रहे हैं भैया। हाँ। चौड़ीकरण होगा नहीं तो काम कैसे शुरू होगा सर? अच्छा, ना बिजनेस बढ़ना है ना कुछ बढ़ना, वही 0 के 0 पड़े हैं अपन। अच्छा, प्रशासन तो अपना पल्ला झाड़ेगा। सही कह रहे हैं भैया, तो आप देख सकते हैं कि यह जो है छत्री चौक का मेन व्यस्ततम इलाका है और यहाँ पर बाबा महाकाल की सवारी निकलती है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं, इस बार फिर शाही सवारी निकलने को है। व्यापारियों का कहना है कि सिर्फ अतिक्रमण हटाने की जो यह कार्रवाई की जा रही है वो ना काफ़ी है, बल्कि सड़कें चौड़ी होना चाहिए। सिंहस्थ के पहले यह पूरा इलाका चौड़ा होगा तो यहाँ पर व्यापारी भी अपना व्यापार कर सकेंगे, श्रद्धालु भी दर्शन कर चुकेंगे और यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा। गरीबों को हटाने से क्या होने का है? ये बड़े बड़े रोड का चौड़े करो, शहर में ये लगेगा कि हाँ यार सुंदरता बढ़ेगी, आपका नाम होएगा। और क्या क्या शहर में ये कहेंगे कि बाकी में बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं,
वो नगर निगम यहाँ की मतलब अच्छा काम करना चाहती है तो कर का रही है, ये तो खाली ठेले हटा रही है, खाली और कुछ काम नहीं कर रही है, बट ठेले हटाना, गरीबों को पीटना और हटाना, उनका सिवाय उनके पास में है ही नहीं, कोई दूसरा काम तो है ही नहीं। आप बड़े बड़े रोड चौड़ी करो, यहाँ आज से बरसों से कह रहे हो, चार तीन चार दिंगत होगा, आज तक नहीं करा हमने। हाँ चेतते भी आ रही है, उसके पहले उनने बोला है कि भाई हम करेंगे, आज तक नहीं करा उनने। तो महापौर जी क्या जबरदस्ती गाड़ी में बैठ बैठ के चलेंगे क्या? और कुछ काम करेंगे ही नहीं, खाली ठेले हटाएंगे, गरीबों को हटाएंगे और किसी का काम नहीं करेंगे। कितने साल से हो रही चौड़ी ग्राम की बात? ये 30 साल से भी ऊपर से हो रही है। मानू से मैं 50 साल से यहाँ हूँ, देख रहे होंगे कुछ छोड़ा जो आज तक नहीं हुआ है, जैसा है वैसे, यहाँ नो रोड है बस यही निकल जाते हैं यहाँ से आइड साइड, आपको कोई तकलीफ नहीं है यहाँ, ना एक्सीडेंट होते हैं ना बड़ा आता है ना कुछ भी नहीं, और इस तक किसी भी बात की तकलीफ नहीं है। पर ये रोड चौड़ा नहीं हो रही है, एक पटनी बाजार वाला रोड चौड़ा नहीं हो रही है, एक आपका उधर आगर रोड चौड़ा नहीं हो रही है, ये रोड चालू करो तो ये व्यवस्था। हाँ यहाँ से वहाँ तक कोयला बाड़ा तक तो कम से कम ये लगे कि भाई सरकार बनी है, 15 साल हो गए सरकार को बने हुए, एक जरा सा भी काम नहीं करा, खाली बस लिख के ले जाते हैं सब। यहाँ पर वो होएगा, यहाँ पर सुंदरता बनेगी, आज तक सुंदरता नहीं बनी, एक टेम्पल नहीं खुला वहाँ पर, एक ठेला नहीं ठूका उनका महापौर जी का, वो ठेला उठा दिए लोगों से कह के माल लेके क्या है करा, आइसक्रीम खा गए, माल हट गया, गाड़ी हट गई, उनका काम हो गया, वो बैठ गया गाड़ी में, 20 हज़ार की गाड़ी में बैठे हुए हैं, 40 हज़ार की, तो गाड़ी अड़ेगी अड़ेगी, इतनी लंबी गाड़ी लाओगे तो आप, ये तो वन वे है ना। ठीक है आप आए हो तो गरीबों को कम से कम देखो तो सही कि ये 500 कल कमाएगा कि नहीं, कि इसकी क्या स्थिति होगी, आज हटा देगा कल हटा देगा, क्या करेगा ये, सर व्यवस्था इसकी ख़राब हो जाएगी इतनी महंगाई होने के कारण। भैया महापौर को आपने कोई समस्या बताई है, क्या निराकरण के निर्देश दिए? बहुत बढ़िया, महापौर जी का हमेशा पॉजिटिव नेचर रहता है, व्यापारियों के हित की रहती है बात, उन वो कभी भी सब सोच समझ के व्यापारियों के हित के हिसाब से कार्रवाई करते हैं, डायरेक्ट उन्होंने कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, हमारी हर बात सुनते हैं, हमेशा उनका सहयोग रहता है। अब कुछ व्यापारियों द्वारा कोई तकलीफ करी जाती है तो उसके कारण समस्त व्यापारियों को तकलीफ होती है या जनता को परेशानी होती है, उसकी समस्या का मैंने बताया उनको, भाई साहब को, भाई साहब ने अधिकारी को निर्देशित कर दिया और अधिकारी का पूरा आश्वासन है कि भाई साहब अब ये सब समस्या हल होगी। कौन लोग हैं जो टेबल बाहर लगा लेते हैं? अब ये साहब भाई साहब यहाँ के तो है नहीं बाजार के टेबल लगाने वाले, टेबल लगाने वाले सब बाहर के आते हैं, वो कैसे भी करके एन क्रैन प्रकरण करके अपनी टेबल लगाने की कोशिश करते हैं। दुकानदारों को सूचित। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।